वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बी प्लस यू अकेडमी माई नेम इज आशीष कर सो हम अपनी ये सीरीज डी टी प्लस बी ए एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं आज इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू दैट ट्वेंटी क्वेश्चन ऑफ़ द टेक्निकल एग्जाम उसी सीरीज में आज हम ट्वेंटी क्वेश्चन और देखेंगे टेक्निकल पेपर के ही सो लेट स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले सो वी हैव सेकेंड डिसिप्लिन दिस इज द सेकेंड डिसिप्लिन दिस एग्जाम जो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का है दिस ईयर ऑल्सो एग्जाम शेड्यूल्ड ऑन द सेम्बर और मे बी इट इज इन द अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू गैट एन आइडिया ऑफ वट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज यूजली आस्ट सो विदाउट एन फर्दर डिलेट स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन टूडे सो इट इज रिटर्न डेट फॉर अ ट्रेपल चैनल

इसमें लिखा है टॉप विड्थ मस्ट बी इक्वल टू दी वन ऑफ दी स्लोप बट एक्चुअल कंडीशन क्या होती है इफ दिस इज द टॉप विड्थ टी एंड दिस इज योर साइड स्लोप से एक्स देन टॉप विड्थ शुड बी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ साइड स्लोप और यू कैन से टॉप विड्थ इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ साइड स्लोप दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर सेक्शन टू बी द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन सो आई थिंक इसका जो आंसर रहेगा दिस कैन बी द फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोलिक रेडियस मस्ट भी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ फ्लो ये भी नहीं होगा इसका क्योंकि हाइड्रोलिक रेडियस यदि आप कैलकुलेट करते हो इट कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ फ्लो सो दिस इज ऑल्सो रोंग एंड दिस इज ऑल्सो रोंग देन इट इज रिटर्न दैट ट्राइस द टॉप वेर्थ मस्ट भी इक्वल टू दन ऑफ दाइड फ्लोप ऑफ दैनल दिस इज ऑल्सो रॉन्ग हेयर वी कैन ऑल्सो सी डेट इन द ग्रीन इट इज ऑल्सो रिटर्न दैट दिस इज द करेक्ट आंसर

लेवल्स ऑफ नॉइस आप ऐड करते हैं तो उसमें आप थ्री से इंक्रीज कर दीजिए यदि आप तीन लेवल ऐड करते हैं सेम नॉइस के तो आप उसको ऐड कर दीजिए फोर पॉइंट एट से फ़ोर पॉइंट एट से और यदि आप फोर नॉइस लेवल ऐड करते हैं सेम वैल्यू तो आप उसको ऐड कर दीजिए सिक्स से सिक्स से यदि आप या तो ये याद कर लीजिए या आप डायरेक्टली डिराइव भी कर सकते हैं

टेन uh, के ये आपका टेन इज टू पावर हो जाएगा फिफ्टी बाई ट्वेंटी देन वी हैव ट्वेंटी इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है हमारे पास ट्वेंटी दिस विल बी ओवर पी आर एम एस वैल्यू इसकी मल्टीप्लीकेशन में है आपका ट्वेंटी दिस विल बी ओवर पी आर एम एस वैल्यू आप ये देख सकते हैं यहाँ से पी आर एम एस वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी सिमिलरली यदि आप सेकंड नॉइस लेवल हैं क्योंकि हम दो नॉइस लेवल को ऐड कर रहे हैं तो पी आर एम एस सेकेंड का भी क्या होगा सेम होगा तो अब जब आप फाइनली निकालोगे टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट नॉइस लेवल तो उसमें जो पी आर एम एस की वैल्यू जो होगी आपकी इट शुड बी इक्वल्स टू ये आर एम एस डैश कर लेते हैं हम इट शुड बी इक्वल्स टू पी आर एम एस होल स्क्वायर प्लस में पी आर एम एस होल स्क्वायर दिस विल इंक्रीज बाय रूट टू टाइम्स दिस वैल्यू इंक्रीज बाय रूट टू टाइम्स ऑफ पी आर एम एस सो फाइनल नॉइस लेवल आप कैसे निकाल सकते हैं डी बी इक्वल्स टू टी टाइम्स ऑफ लॉग टेन पी आर एम एस डैश डिवाइड बाई ट्वेंटी इसको सोल्व करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो भी यही आएगा यही आएगा यदि यह ये दो बार था तो रूट टू टाइम्स यदि ये तीन बार हो जाता तो यहाँ पर एक एडिशनल पी आर एम एस और कास्र और ऐड और हो जाता जिसके कारण ये रूट थ्री टाइम्स हो जाता सिमिलरली फोर टाइम्स के केस में रूट फोर टाइम्स हो जाता तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं विद ड्राइव विद डेरिवेशन आई होप ये समझ में आया होगा आपको या डायरेक्ट याद कर सकते हैं इसको तो कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है ये बाकी नॉर्मली आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं अप टू थ्री या फोर लेवल तक आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है यदि फोर लेवल सेम नॉइस लेवल को ऐड करते हैं उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड इन देर आर टू स्टेटमेंट्स आर गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द दोल द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इन सीटू मॉइस्चर कंटेंट फॉर अ सेंसिटिव क्ले मे बी ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट एंड द लिक्विडिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन वन ओबियसली आपका यदि वाटर कंटेंट ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट आता है तो इसका मतलब है लिक्विडिटी इंडेक्स ग्रेटर देन वन होगा आप ये ऐसे भी कर सकते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स हम निकालते हैं डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एल डिवाइड बाई डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी तो ये ग्रेटर देन वन आएगा आपका Uh, आप इसको सेकंड स्टेटमेंट रेड कर लेते हैं इन मैनी नेचुरली डिपोजिट क्ले सॉयल्स द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेथ फॉर अनडिस्टर्ब क्ले इज लेस दैन द रिमोल्डिड क्ले एक्चुअली ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि हम सेंसिविटी सेंसिटिविटी जब हम पढ़ते हैं वहाँ भी हमें पता है क्यू यू अनडिस्टर्ब डिवाइड बाई क्यू यू रिमोल्डिड अनडिस्टर्ब डिवाइड बाई क्यू यू रिमोल्ड यूजअली ग्रेटर देन वन होता है यूजअली ग्रेटर देन वन होता है यदि आप फिशर्ड सोयल को छोड़ दें फिशर्ड के केस में लेस देन वन होता है अदरवाइज ये ग्रेटर देन वन होता है तो क्ले में जो सेंसिविटी है तो वो हमेशा ग्रेटर देन वन होती है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है आपकी रोंग हो जाती है तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स आप इसको डायरेक्टली uh, इमेजिन भी कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट इमेजिन भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला उसका मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको कैसे कर सकते हैं यू you नो know, यदि हम एटरबर्ग डायग्राम बनाते हैं एटरबर्ग डायग्राम जब हम बनाते हैं दिस इज यज श्रिंकेज लिमिट दिस इज यूर प्लास्टिक लिमिट एंड दिस इज योअर लिक्विड लिमिट डू नॉट माइंड माई राइटिंग आप समझ लीजिए बस क्या बता रहा हूं मैं तो जो ये जो क्रोसेक्शन है इसी में आपका बनता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल्स टू वन ये हमें पता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स वन होता है जब भी आपका लिक्विडिटी पोटर कंटेंट आपका लिक्विडिटी इंडेक्स से ज्यादा होगा उसका मतलब क्या है लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि बेसिकली ये यदि कोई वोटर कंटेंट इसके बीच में आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये आई सी प्लस आई एल इक्व टू वन है इतना पार्ट आई सी का और इतना पार्ट आई एल का टू वन है अदरवाइज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यदि इससे ज़्यादा आ रहा तो है तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपका लेस देन जीरो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपका लेस देन जीरो है समझने का ढंग है ट्राई कीजिएगा यदि समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए मैं दोबारा इसको बताऊंगा लेट्स वी मूव टू द फोर्थ पार्ट Fourth question. In the fourth question, it is written that a father notes that when his teenage daughter uses the telephone, she takes notes, she takes not less than 6 minutes for a call and sometimes as much as 1 hour. Call for duration, call of duration 15 minutes are the most frequent than call of any other duration. If the, if the daughter's call were an activity in a part project, एस्टिमेट द कोल एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आपको बताना है एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन का होगा क्या होगा जब आपको बोला गया है इट इज़ अ पर्ट प्रोजेक्ट तो वी नो डैट द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन इन केस ऑफ पर्ट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट प्लस में फोर टाइम्स ऑफ मीन टाइम एस्टिमेट प्लस में पैसिमिटिक टाइम एस्टिमेट डिवाइड बाई सिक्स इसको सोल्व करने से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं आपको गिवन है ऑप्टीमिस्टिक टाइम एस्टिमेट दैट इज सिक्स मिनट

ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है आई होप ये तो अभी आपको याद ही हो गया होगा फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है अ रिजिड आइसोलेटेड फूटिंग इज रेस्टेड इफ दिस इज अवर फूटिंग इफ दिस इज अवर फूटिंग दिस इज अवर फूटिंग लोड पी इज एक्टिंग अबाउ इट यू हैव गिवन द दिस फूटिंग इज रिजिड फूटिंग रिजिड फूटिंग एंड यू हैव गिवन इट इज रेस्टिंग ऑन अ क्ले सोयल इट इज रेस्टिंग ऑन अ क्ले सोयल और यू कैन सेव सोयेजि तो आपको बताना है कॉन्टैक्ट प्रेशर एट द एज इज एंड सेंटर ऑफ फूटिंग आर आप इसको याद भी कर सकते हैं आप समझ भी सकते हैं रिजिड फूटिंग के केस में जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म रिजिड फूटिंग के केस में कॉन्टैक्ट प्रेशर आपका हमेशा क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सिंस ये क्ले के, के केस में है तो और को हैजी सोयल के के केस में तो इसका कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मैं इधर ही बना रहा हूं आई होप आपको समझ में आएगा कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इसका ऐसे होगा कुछ इसका कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होगा मैक्सिमम एट मिनिमम एट सेंटर मैक्सिमम एट द एजिस और मिनिमम क्या होगा सेंटर पे तो इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर इट्स आंसर विल बी ऑप्शन ए तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इन क्वेश्चन नंबर सिक्स यू हैव टू कैलकुलेट द शर स्ट्रेंथ यू हैव टू कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेंथ यू हैव बीन आस्ट टू डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोयल इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस शेयर स्ट्रेंथ बतानी है आपको लेकिन इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस हमें पता है शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है सी यदि इफेक्टिव स्ट्रेस के टर्म में बतानी है तो इट विल बी डाउ इक्व सी डैश प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस इन टू टेंट टाइम ऑफ फाइव डैश अब आपको इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए तो आप क्या निकाल सकते हो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दोइल विद इन फोक्शन रीड करते हैं विद इन अ सेचुएटेड सॉयल मासंट वे टोटल स्ट्रेस इज गिवन टू यू पोर वाटर प्रेशर इज गिवन टू यू देन इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ दॉयल आर ऑल्सो गिवन सी वैल्यू भी गिवन है आपको और एंगल ऑफ इंटरनल फ्लिक्शन भी गिवन है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर सी डैश आपको गिवन है सिक्सटीन इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ टोटल स्ट्रेस है आपका टू ट्वेंटी और पोर वाटर प्रेशर है आपका वन ट्वेंटी और आपको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन गिवन है थर्टी डिग्री इसको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी हम लिख सकते हैं टें जन थर्टी की वैल्यू आपको गिवन है जीरो पॉइंट सिक्स तो सिक्सटीन प्लस हंड्रेड टाइम्स ऑफ जीरो पॉइंट दिस विल गिव्स गिव सिक्सटीन प्लसटी दैट इज सेवनटी सिक्स डेट इज सेवनटी सिक्स तो इट्स आंसर विल बी ऑप्शन डी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द क्वेश्चन सेवन वी हैव गिवन अ स्टेटमेंट और हमसे पूछा गया है मैन वी कैन एक्सपेक्ट ऑक्यूरेंस ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन फाइल्स नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कब देखने को मिलेगा फाइल पे पहले ये समझ लेते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है इफ दिस इज योर पाइल इफ दिस इज योर पाइल सम लोड इज एक्टिंग ओवर दिस पाइल एक्चुअली सीरीज ऑफ पाइल है मैं आपको एक सिंगल पाइल दिखा रहा हूँ ये सीरीज ऑफ पाइल है कुछ ऐसे और ये एक पाइल कैप रहती है इसके ऊपर जिसके ऊपर लोडिंग एक्ट होती है लेकिन हम सिंगल पाइल का केस भी कंसिडर कर सकते हैं समझाने के लिए अब इसमें क्या केस होता है स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हमें यदि पाइल से लेना होता है तो वो होता है ये इस तरीके से ताकि वो रेजिस्टेंस दे लेकिन नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में क्या होता है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में क्या होगा इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इट विल बी समथिंग लाइक डैट इट विल बी समथिंग लाइक डैट तो उससे क्या होगा आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा और ये कब होता है ये हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर फाइव पहला ऑप्शन देख लेते हैं एन अपवर्ड ड्रैग एग्जिस्ट इन द फाइल यदि कोई अपवर्ड ड्रैग एग्जिस्ट करेगा तो एक नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होगा जो कि गलत स्टेटमेंट है अपवर्ड ड्रैग से नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन नहीं डेवलप होता इट इज़ अ पॉजिटिव स्किन फ्रिक्शन आप समझने के लिए ऐसे देख सकते हैं इफ दिस इज अ पाइल इफ दिस इज अ पाइल यदि इसको कोई अपवर्ड ड्राई करेगा पी फोर से तो ये डाउनवर्ड रजिस्टेंस देगा इट विल गिव जस्ट द डाउनवर्ड रजिस्टेंस तो ये पॉसिबल आंसवर है ही नहीं तो सी वन ऑप्शन जिसके अंदर है वो सब कैंसिल हो जाएंगे आप ऐसे भी इस क्प्शन को अटैम्प्ट कर सकते हैं फिर भी कंप्लीशन के लिए हम सेकेंड ऑप्शन को पढ़ते हैं सी टू में लिखा है इट डेवलप इज द फील्ड मेटेरियल अराउंड पाइल इज अ लूज सैन डिपॉजिट फ द फील्ड मटेरियल अराउंड पाइल इज अ लूज एंड डिपॉजिट तो यदि लूज एंड डिपॉजिट है यहाँ पर यदि लूज एंड डिपॉजिट है उस केस में क्या होगा जो सोयल है आपकी जो सोयल है आपकी वो ज़्यादा सेटल करेगी दिस सोयल सेटल मोर दिस सोयल सेटल मोर एज कम्पेयर टू पाइल अंडर लोड सो उस केस में क्या होगा आपका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होगा उस केस में आपका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होगा सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन लोवरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल रिजल्टिंग इन कंसोलिडेशन ऑफ ऑइल दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल से लोवरिंग से इफेक्टिव स्टैसेज आपके क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे जिसके कारण कंसोलिडेशन बढ़ जाएगा और जिसके कारण आपका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो इस आंसर विल भी ऑप्शन सी इसका आंसर ऑप्शन सी है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये ए, आ, यूपी का यूपी का भी है आई एग्जाम का भी है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा गया है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्रिटिकल पाथ इज आइडेंटिफाइड एज द वन विच कनेक्ट्स द इवेंट हैविंग कनेक्ट्स द इवेंट तो ये एक तो पहली बात यहाँ पे बोला गया इवेंट है पर्ट के केस में इवेंट इम्पोर्टेंट होता है पर्ट के केस में आप ऐसे याद कर सकते हैं इवेंट कब या याट जो इवेंट है आपका वो प्रोबेबलिस्टिक फीचर्स पे या फिर पर्ट हम यूज़ करते हैं प्रोबेबलिस्टिक नेचर के केसेस में जैसे कोई रिसर्च इवेंट है कोई रिसर्च एक्टिविटी है तो उस केस में हम पर्ट यूज़ करते हैं ना कि सी पी एम सी पी एम यूज़ करते हैं जहाँ पर एक एक्टिविटी बार बार रिपीट हो रही हो सेम ऑपरेशन बार बार हो रहा हो वहाँ पर हम सी पी एम यूज़ करते हैं तो ये इवेंट किसका मेजर है हमारा पर्ट का और पर्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं स्लैक पर्ट के लिए यूज़ करते हैं हम स्लैक और फ्लोट uh, और फ्लोट यूज होता है हमारा सी के लिए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं जीरो स्लैक इज द टाइम विच शोज द क्रिटिकल पाथ विच शोज द क्रिटिकल पाथ सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एज पर आई एस फोर नाइन फाइव फोर नाइनटीन सिक्सटी एट ये कोड याद रखिएगा फोर फोर्टी नाइन फिफ्टी फोर नाइनटीन सिक्सटी एट आपसे पूछा है यूजुअल नॉइस लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज इज इन द ऑर्डर ऑफ आपसे पूछा गया है नॉइस लेवल जो है इंडस्ट्रीज में वो कितना होता है तो एक डायरेक्ट रिकमेंडेशन है इट इज द वैल्यू ऑफ सिक्स डेसीबल सिक्सटी टू नाइन्टी फाइव डेसीबल यूजली हम इसकी वैल्यू कोड में ये भी पढ़ पाएंगे फिफ्टी टू सिक्सटी फाइव डेसीबल इन केस ऑफ इंडोर नॉइस लेवल इंडोर नॉइस लेवल बट इसमें जो पूछा गया है ये परमिसिबल लिमिट है ये आपकी परमिशिबल लिमिट है ज यूर परमिशिबल लिमिट बट ये पूछा गया यूज लेवल क्या है कॉम्पेक्शन एफर्ट इज इंक्रीज मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट ऑफ दशन इज ऑल्सो इंक्रीज आप ये डायग्राम से भी देख सकते हैं कंपैक्शन कर्व इफ दिस इज गामा ड्राई एंड दिस इज योर वोटर कंटेंट तो एज द कंपैक्शन एफर्ट इनक्रीज ये कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाती है आपकी राइट वर्ड डायरेक्शन ये राइट वर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है जिसके कारण आपको लोअर वाटर कंटेंट में आपका वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है और ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो यह स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट है द कोफिशेंट ऑफ कंसोलीडेशन कोफिशेंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है आपका सी 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 वी सॉरी कोफिशेंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है सी वी सी वी आपसे पूछा गया है एज द कोट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीजेज द लिक्विड लिमिट ऑफ द दॉयल ऑल्सो इंक्रीजेज क्या लिक्विड लिमिट इंक्रीज करती है ये स्टेटमेंट पूछी गई है तो आपको पता है सी वी का फॉर्मूला क्या होता है सीवी इक्वल्स टू के वी डिवाइड बाई एम वी टाइम्स गामा डब्ल्यू एम वी टाइम्स गामा डब्ल्यू और एम वी किसका फंक्शन होता है सेटलमेंट का ऑल्सो एम इक्वल्स टू ए वी डिवाइड बाई वन प्लस ई नॉट ए वी डिवाइड बाई वन प्लस ई नॉट आई होप ये स्टेटमेंट ये जो टर्म्स आपको पता होगी एम वी क्या होता है ए वी क्या होता है एम वी होता है वैसे कॉफिशियट ऑफ वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी वाहल ए वी होता है कोफिशियंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी तो यदि यहाँ से देखें यदि आपकी लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगी लिक्विड लिमिट ज़्यादा होने का मतलब क्या है ये जो ट्रम है आपकी एम वी जो ट्रम है ये आपकी ज़्यादा आएगी क्योंकि ए वी बी ज़्यादा होगा ये टोटल ट्रम ज़्यादा होगी तो कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा आपका कम होगा हम ऐसे समझने के लिए समझ सकते हैं हायर द लिक्विड लिमिट लोअर विल बी द कोफिशियट ऑफ कंसोलिडेशन आप डायरेक्टली याद रखिए सी वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट ऑफ दिस सॉयल तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा statement 1 is true and statement 2 is false so its transfer will be option a moving to the next question question number 11 in question number 11 you have to tell the maximum density identify the material which has the maximum den density we know that the wood has a density less than less than of water that is वन थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब बिकॉज ये फ्लोट करता है पानी के अंदर तो इसकी डेंसिटी क्या होगी वन थाउजेंड से कम होगी सीमेंट की डेंसिटी हमें याद ही है डैट इज वन फोर फोर जीरो किलोग्राम पर मीटर क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब ग्रेनाइट स्टोन और स्टील इन दो में कन्फ्यूजन हो सकता है ग्रेनाइट स्टोन की हम बाद में देखते हैं स्टील की होती है सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप यदि ग्रेनाइट स्टोन की देखेंगे तो जनरल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.4 टू तो 2.8 के बीच में वेरी करती है स्टोन के केस में तो इसकी ऑलमोस्ट डेंसिटी जो होगी वो होगी 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो आपको बताना था मैक्सिमम डेंसिटी तो ये आपकी स्टील की है मैक्सिमम डेंसिटी सोयल के अंदर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसका आंसर आपको विजिबल भी होगा वैसे कोई नहीं हम इसको कंप्लीटनेस के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या पूछा गया है स्टेटमेंट्स गिवन है हमें बतानी है इन करेक्ट एजम्प्शन ऑफ कोलम वेज थ्योरी इन करेक्ट नोट द करेक्ट वन तो करेक्ट एजम्पन क्या क्या है द बैक फिल ऑफ सोइल इज ड्राई वो हेजन लेस होमोजीनियस आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपिक एंड आइडियल प्लास्टिक मटेरियल ये एजम्प्शन हम मान के चलते हैं कोलम वेज थ्योरी में सेकेंड एजम्प्शन है द स्लिप सर्फेस इज अ प्लेन सरफेस विच हील ऑफ द दोट यदि आप इसका डायग्राम देखेंगे

तो ये भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है द स्लाइडिंग वेज इट सेल्फ एक्ट एज ए रिजिड बॉडी ये जो वेज है ये एक्ट करेगा आपका रिजिड बॉडी की तरह देन द वैल्यू ऑफ द अर्थ प्रेशर ऑप्टेंट इज ऑपटेन बाई कंसिडरिंग द लिमिटिंग इक्विबेरियम ऑफ द स्लाइडिंग वेज एज अ होल तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करता है और जो इसका अर्थ प्रेशर है वो ऑप्टेंट करते हैं बाई लिमिटिंग इक्विबिरियम बाई द स्लाइडिंग वेज एज अ होल तो ऑटोमेटिकली आपकी पता चल रहा है कि फोर्थ स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है लेकिन प्रूव करने के लिए हम देख लेते हैं इसमें बोला गया है द रिजल्टेंट अर्थ प्रेशर ऑन द वोल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री प्लस डेल्टा बट एक्चुअली जो यदि हम इसको सेपरेटली बनाएं इट विल इंक्लाइंड ओनली एट एन एंगल ऑफ डेल्टा नॉट दी नॉट दी दाइन्टी डिग्री प्लस डेल्टा ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं

पोस्ड बाई द एक्शन ऑफ ड्राई रोट किसके कारण होता है जो डिकम्पोजिशन होता है वो फेलटिब वी नो डेट इट इज ड्यू टू द फंजाई इट इज ड्यू टू द फंजाईल टाइप ऑफ रोट आर ड्यू टू दूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपसे पूछा गया है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट आइडेंटिफाई द प्रोपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट फॉर विच इट इज कंडक्टेड फॉर ए फ्रेशली क्वेड स्टोन फ्रेशली क्वर स्टोन के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट क्यों किया जाता है ड्यूरेबिलिटी के लिए फ्रोस्ट रेजिस्टेंस के लिए टफनेस के लिए या वेदर रेजिस्टेंस के लिए तो ये एक्चुअली किया जाता है ड्यूरेबिलिटी के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में आप सैंपल आप थ्री सैंपल लेते हैं फोर्टी एम एम साइज़ के इसका प्रोसीजर नहीं बता रहा मैं आपको क्योंकि इसके लिए सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है वट आर वेरियस टेस्ट ऑन स्टोन आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं लेकिन ब्रीफ मैं बता देता हूँ क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट आपका चेक होता है ड्यूरेबिलिटी के लिए फ्रोस्ट रेजिस्टेंस टेस्ट अलग है टफनेस टेस्ट आप इम्पैक्ट मेजरमेंट से करते हैं वेदर रेजिस्टेंस आपका एसिड टेस्ट होता है जिससे आप रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये था हमारा फोर्टीन नंबर क्वेश्चन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल आइडेंटिफाई द वन विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डिटर्मिनेशन फ्राम डिस्टर्ब सोयल सैम्पल फ्रॉम डिस्टर्ब सोयल सैम्पल विच इज नॉट अप्रोप्रिएट आपसे पूछा गया है कौन सी प्रॉपर्टी जो है इनमें से अप्रोप्रिएट नहीं है विद द यदि हम डिस्टर्ब सैंपल को यूज करते हैं डिस्टर्ब सोयल सैंपल को तो आप ऐसे देख सकते हैं जो भी प्रॉपर्टी सॉयल ग्रेन प्रॉपर्टीज हैं या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपको ग्रेन को स्टडी करना पड़ता है वो सब क्या कैसी होंगी डिस्टर्ब सॉयल सैंपल प्रॉपर्टीज होंगी जैसे कि आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी हम पिक्नोमीटर मेथड से निकालते हैं तो हम इंडिविजुअली ग्रेन को इस पर फोकस करते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन अगेन डिस्टर्ब सोयल सैंपल से ऑप्टेन होता है कन्फ्यूजन कहाँ हो सकती है ऑप्शन ए और बी में प्लास्टिसिटी करैक्टरिस्टिक्स जो या एटर लिमिट जिसे हम कहते हैं ये सारी हम ऑप्टेन करते हैं डिस्टर्ब सॉयल सैंपल से ये ऑप्टेन करते हैं डिस्टर्ब सोयल सैंपल से डिस्टर्ब्ड सोइल सैंपल से जैसे आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है या फिर प्लास्टिक लिमिट निकालनी है प्लास्टिक लिमिट कैसे निकालते हैं आप थ्री एम एम थ्रेड्स बना के सॉयल के थ्री एम एम थ्रेड बनाते हैं जब वो स्टार्ट टू क्रम्बल जब वो क्रम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें वो जो लिमिट होती है वो आपकी क्या होती है प्लास्टिक लिमिट वो लिमिट क्या होती है प्लास्टिक लिमिट तो ये भी एक क्या है डिस्टर्ब सॉइल सैंपल से हम ऑप्टेन करते हैं तो आंसर क्या होगा इसका शेयर स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ में हम अनडिस्टर्ब सॉयल सैंपल लेते हैं जो भी हम टेस्ट करते हैं ट्राई टेस्ट हुआ डायरेक्ट सीआर टेस्ट हुआ उसमें हम अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल यूज करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में आपसे पूछा गया है द वॉटर कंटेंट ऑफ ए फुली सेचुरेटेड सोयल मास इज हंड्रेड परसेंट कंटेंट दिया है आपको हंड्रेड परसेंट कंटेंट है आपका हंड्रेड परसेंट आपको बताना है द इनफ्रेंस अबाउट द वाइड रेशो ऑफ सोयल सैंपल इज आप यहाँ से क्या इन्फ्रेंस डिट करते हैं सोयल सैंपल की वाइड रेशो का तो आपको ई e की वैल्यू के बारे में इसमें बताना है कि इसी ई e की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या होगी तो हमें एक तो पॉसिबल ऑप्शन है इस तरीके से कर सकते हैं ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी आपको बोला गया फुली सेचूरेटेड सोयल मास तो आपको एस की वैल्यू भी गिवन है वाटर कंटेंट भी गिवन है और आपको आप डायरेक्टली बोल सकते हो ई क्या होगा जी के इक्वल होगा ई क्या होगा जी केक वाले होगा यदि यही सोइल फुली सेचूरेट नहीं होती अगर यह सोयल फुली सेचूरेट नहीं होती तो यदि एक क्वेश्चन होता पार्सली सैचुरेटेड सोयल होती मान लिया हम मान लेते हैं पार्शली सैचुरेटेड सोयल है पार्शली सैचुरेटेड सोइल अब यदि कोई पूछे कि आप क्या इंफ्रेंस डिटरमाइन करते हैं ई वैल्यू से तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा इसका आंसर मैं आपको पिन कर दूंगा आपको बताना है e ई की वैल्यू ग्रेटर देन जी होगी लेस देन जी होगी या फिर इक्वल्स टू जी होगी मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ या फिर इंडिपेंडेंट भी होगी आप ये भी कंसिडर कर लीजिए ये चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे आप बताइए इसका आंसर क्या होगा तो एक्चुअली जो अपना गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है ई इक्वल्स टू जी ई इक्वल्स टू जी दैट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आपसे पूछा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स अ डमी एक्टिविटी इज अ टाइप ऑफ ऑपरेशन इन द नेटवर्क विच रिक्वायर्स डमी एक्टिविटी जो है आपकी जो ऑपरेशन में यूज करते हैं नेटवर्क में वो क्या रिक्वायर्स करते हैं तो वी नो डेट इट 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 रिक्वायर टाइम और रिसोर्सेज इसको ना तो टाइम की जरूरत है ना ही रिसोर्सेज की डमी एक्टिविटी का ओनली परपज होता है कि टू शो द रिलेशनशिप टू शो द रिलेशनशिप ओनली टू शो द रिलेशनशिप तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोयल कैरिड बाई वॉटर एंड हैव बिन डिपोजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन स्टिल वॉटर ऑफ लेक्स आपसे पूछा गया है स्टिल वॉटर ऑफ लेक्स तो इसका आंसर डायरेक्टली हम बता सकते हैं इट विल बी बीक्स्ट्रीन डिपॉजिट लेक से आप याद रखिए लैक्स्ट्री एलियन डिपॉजिट जो होते हैं ये होते हैं एयर से डिपॉजिट दीज आर दी डिपॉजिट्स डन बाय द एयर लुइस भी एग्जाम्पल है टाइप ऑफ ये जो डिपॉजिट हमें मिलता है ड्यू टू एयर एल्यूवियल डिपॉजिट आपको देखने को मिलेंगे जब रिवर वाटर के केस में ये देखने को मिलते हैं रिवर वाटर के केस में मूविंग टू द नाइनटीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वट विल बी द रिजल्ट लेवल द फोर फोर मेकिंग नॉइस नॉइस ऑफ इक्वल लेवल ये सेम क्वेश्चन है जो आई थिंक आज का सेकेंड क्वेश्चन भी था अब आप चार चार नॉइस को एड कर रहे हैं आपको इक्विवेलेंट नॉइज लेवल बताना है इक्विवेलेंट नॉइज लेवल बताना है तो मैं वहाँ भी बताया है तो इसका आंसर क्या होगा सिक्स डेसिमल से आप उसको इंक्रीज कर देंगे मान लिया फोर नॉइस लेवल जो सोर्सेज हैं उसका एक फिफ्टी डेसिबल साउंड है तो ये यदि आप फोर

एंड बल्क यूनिट वेट इज ऑल्सो गिवन दैट इज गामा टीवल्स टू ट्वेंटी फोर किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब ट्वेंटी फोर किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आपको बताना है ड्राई यूनिट वेट ऑफ दॉयल गामा ड्राई आपको बताना है गामा ड्राई आपको बताना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास गामा टी डिड बाई वन प्लस डब्ल्यू गामा टी डिड बाई वन प्लस डब्ल्यू इसको सोल्व कर लो ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई वन प्लस जीरो पॉइंट टू इसको सोल्व करोगे तो आएगा ट्वेंटी किलोनी मीटर क्यूब वन पॉइंट टू हो जाएगा यहाँ पे और ये बन जाएगा ट्वेंटी किलोमीटर पर मीटर की ओर इज और ऑप्शन ए ये क्वेश्चन आपको डराने के लिए दिया गया वैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था आप यहाँ पे यदि बोरोपिट नहीं लिख के सिंपली सोयल लिख देते हैं तो भी ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता तो आप देख के डरना नहीं है बोरोपिट की वन है बोरोपिट इम्बैक्टमेंट प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं आप उनको ध्यान से सॉल्व कीजिए उसमें टाइम लग सकता है लेकिन यहाँ पर तेज सिंपल क्वेश्चन था तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है कम से कम रीडिंग लेनी है ऐसे क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट करना आपको आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी यदि कोई भी डाउट अभी भी बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए नाइस डे